So welcome back to my channel. So we'll go to next topic, revisiting irrational number. Here we will deal with the irrational number again. Okay, so we'll prove root 2, root 3 and root 5 as a irrational number. And how we will prove is, the proving method is proof by contradiction. Okay, so what is the contradiction method? What is the meaning of contradiction? Okay, so contradiction means, aapko ek example deke batata hu ki contradiction ka matlab, agar maine mere dost ko bola ki main ek office mein bade officer hu main, okay, and jab call अब कुछ ही दिन बाद मेरे दोस्त आया ऑफिस में, मैं ऑफिस में गया और मेरे दोस्त ने मेरे को झाड़ू पोछा लगाते हुए देखा. और क्या हुआ, मैंने स्टेटमेंट दिया था मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ और मैं ऑफिसर हूँ, पर वो जो कर रहा हूँ वो झाड़ू पोछा लगाने का काम. वो क्या हुआ, वो स्टेटमेंट को मैंने झाड़ू पोछा लगाया, वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हम क्या नहीं है, ऑफिसर नहीं है, वो काम क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है. वो सिचुएशन को हम कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हो. ओके, नाउ विल प्रूफ, दैट वाज एन एग्जांपल पार्ट. नाउ हाउ टू प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सॉल्यूशन, लेट us assume to the contrary ka matlab thodi der ke liye hum ye maan sakte hai. Okay, so contrary, that thodi der ke liye, contrary ka matlab thodi der, root 2 is rational. हम लेट अस एज्यूम, ओके, थोड़ी देर के लिए रूट टू रैशनल हम मान के चलेंगे इसमें. नाउ अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो रूट टू को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट टू क्या है, रैशनल है, हमने ये थोड़ी देर के लिए माना है. और एक बात, जब हम दो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए, हम ऐसे नहीं लिख सकते. 8/4 ऐसा फ्रैक्शन कभी एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इसका फैक्टर क्या है, ये एक से भी मल्टीपल होता है, एक से भी डिवाइड होते हैं, दो से भी, चार से भी और आठ से भी. देखिए, चार को भी, एक, दो और चार, देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक, दो, तीन, तीन तीन कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये कैसे एग्जिस्ट होता है, ये सिंप्लीफाई हो जाता है आपसे. आप ओके, 4 1 4 4 2 है, 8/4 को हम 2/1 लिख सकते हैं. देखिए, जब नोट करें, जब ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा होगा, जैसे इसमें क्या है, एक और दो है, इसमें क्या है, एक ही है, ये एक ही होना चाहिए. अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो सिंप्लीफाई होके नंबर में आ जाता है. ओके, सो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम 6/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके 3 1 3 3 2 6, 2/1 और 2 हो जाता है, क्योंकि इसमें दो से एक से ज़्यादा फैक्टर है. इसलिए पी ओपन क्यू फॉर्म में जैसे 4/3 लिख सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये इसके कॉमन फैक्टर एक ही है. देखिए, इसमें आए P एंड Q आर को प्राइम,
इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, होना चाहिए। सो पी एन क्यू आर को प्राइम, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, कि नहीं होगा तो काट सिंप्लीफाई होके को प्राइम ही होगा। सो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, क्यू रूट टू क्यू, इसको हम इधर लेंगे, डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा पी। ओके, इसे हम इक्वेशन वन मान लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पर, तो कैसे रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है रूट टू क्यू का स्क्वायर का मतलब है दो बार मल्टीपल मल्टीप्लाई करना, रूट टू इंटू रूट टू टू। कैसे रूट टू इंटू रूट टू टू होगा, क्योंकि रूट में दो पेयर होंगे और बाहर निकल आएंगे। और इससे भी आपको और जानकारी चाहिए तो कैसे आता है रूट टू इंटू रूट टू, क्या होता है टू स्क्वायर होता है, क्योंकि टू इंटू टू टू स्क्वायर है, और हम फोर भी लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब रूट टू का मतलब क्या है, हाफ है, रूट अंडर रूट का मतलब क्या है, हाफ है। और फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, ये टू कैंसिल होके आता है टू। ये क्या है, एक्चुअल मेथड है, आपको समझ आया होगा। जैसे कैसे रूट टू इंटू टू टू होगा, आपको ये बेस्ट है, ये करेक्ट है, आपको ऐसे पता होगा। सो ऐसे हम इसको हम कैसे लिखते हैं, रूट इंटू टू टू क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ये इंटू है, इधर जाके डिवाइड करेगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये क्या हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, कि पी स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है। ओके, सो पी सॉरी टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, टू ऑल्सो डिवाइड्स पी। जैसे 25 को 5 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 5 को 5 डिवाइड करेगा ही। कैसे, ये क्या है, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर को ये डिविजिबल है, तो ये 5 को भी डिवाइड करेगा। जी हाँ, ऐसा ही मानना। सो आगे बढ़ेंगे, इसे हम इक्वेशन टू मान लेंगे, ठीक है। लेट पी इक्वल्स टू टू सी, ओके हम मानेंगे, क्यों माना है आपको बाद में बताएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन टू, दो फ्रॉम इक्वेशन टू हम पी को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी का क्या है वैल्यू, टू सी है, इधर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय टू, ऐसा इस रहने देंगे। और क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा, सी स्क्वायर बाय टू, टू वन टू 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 फोर, ऐसा कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों ये नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर होने के कारण से ये क्या होगा, कट जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, हमने थोड़ी पहले बताया था। और हम क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर, नाउ हियर इज अ मल्टीप्लिकेशन, देयर विल बी डिवाइड, सी स्क्वायर विल बी क्यू स्क्वायर बाई टू। सो टू डिवाइड्स इन सिमिलर मैनर, ओके, टू डिवाइड्स q square, which implies 2 also
divides Q. Okay. Now, what I see, P 2 is dividing Q and 2 is dividing P. What is the meaning of this? Therefore, P and Q has at least 2 as a common factor. ये क्या होता है हमने क्या अभी अभी प्रूफ किया Q और P के क्या कॉमन फैक्टर है P है क्योंकि इसको नंबर को डिवाइड कर रहा है इस P और Q को 2 से डिवाइड कर रहा है और ये 2 इसका क्या है मल्टीपल है तो इसके P और Q के कौन कौन फैक्टर है 1 और 1 और 2 है इसके भी 1 और 2 है क्योंकि ये 2 इस P को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है 2 भी इसका फैक्टर है इसका भी फैक्टर है सो एज अ कॉमन फैक्टर दोनों का P और Q का हमने अभी लिखा था P और Q का इसके फैक्टर क्या है 2 और 1 2 और 1 है हमने अभी तक प्रूफ किया सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that P and Q has no other factor than 1 okay क्या है हमने अभी P open Q form में जब fraction form में लिखते हैं तो एक से बढ़कर कोई common factor नहीं होगा पर इसमें क्या हो रहा है ये 2 भी आ रहा है इसमें क्या हुआ है ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ओके कॉन्ट्राडिक्ट हुआ हमारा स्टेटमेंट को सो ऐसे ही यहां तक आपको समझ आया होगा ये कैसा ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज हुआ दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन due to our wrong assumption that root 2 is rational हमने माना था ना rational number है हमने इस यहां पर झूठ बोला था झूठ बोलने के कारण से मुझे झाड़ू पोछा लगाते हुए मेरे दोस्त ने पकड़ लिया हम ऑफिसर नहीं है इसमें ही प्रूफ होगा ऐसे ही तरह हमने क्योंकि एजम्पशन रॉन्ग लिया था रूट टू रैशनल बोल के इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ऐसे ही इसको ही हम ऐसी तरह प्रूफ करेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग एजम्पशन रूट टू इज रैशनल देयरफॉर क्या है ये हमने झूठ बोला था ना इसलिए रूट टू इज इरेशनल ऐसे ही हम प्रूफ करेंगे सो चलिए आगे बढ़ेंगे हम अब क्वेश्चन पे So, I have already proved root 2 is an irrational number. So, 1.3, question number 1. The question is asking, prove that root 5 is irrational, okay? So, we need to prove root 5 is irrational number. So, exercise 1.3, question number 1. So, in similar manner, we will prove root 3, it is your homework, okay? You yourself prove root 3 is irrational number. In similar manner, everything will be the same, the number will only changed, okay? So, I will try to prove root 5 is irrational number, okay? In similar manner. So, I will complete this exercise, okay, today. So, let us assume... to the contrary means kuch hi der ke liye contrary that root 5 hamara kya hai m root 5 ko irrational number prove karna hai root 5 is rational
देखिए हमने यहाँ पर क्या झूठ बोला थोड़ी देर के लिए, रूट फाइव रैशनल है, हमें पता है रूट फाइव इरेशनल, इसके बावजूद भी हम रूट फाइव को रैशनल नंबर बोल के झूठ बोला और झूठ इधर पकड़ाएगा और हम क्या होगा, रूट फाइव रैशनल ही होगा, ऐसे ही इसका कंट्राडिक्शन का मेथड है, इसलिए हम फर्स्ट झूठ बोलेंगे। जैसे ही हमने बोला था ना हम ऑफिसर है, उसमें झूठ पकड़ा और हम क्या है, पोचा वाला है, रैशनल। जब हम रूट फाइव को रैशनल मानेंगे तो रूट फाइव को हम क्या लिखेंगे, पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या होता है, ये को प्राइम होता है, ये भी प्राइम दोनों मिलके को प्राइम होगा। पी एंड क्यू आर को प्राइम, ध्यान रही, इसके एक से बढ़कर वन से बढ़कर कॉमन फैक्टर कोई ही नहीं है, अगर आएगा तो झूठ पकड़ाएगा। देखिए को प्राइम, और हम इसको इधर लाएंगे, आई विल टेक दिस साइड बिकॉज दिस इज द रूल, रूट फाइव क्यू इक्वल्स टू पी, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, एंड वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके, और एवरीथिंग विल बी फाइन। सो व्हेन आई स्क्वायर बोथ साइड, रूट फाइव क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, सो एस आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट हाउ दिस विल बी सिंप्लीफाइड, ओके, दिस मीन्स रूट फाइव क्यू इंटू रूट फाइव क्यू, वट विल बी द वैल्यू, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, आई हैव ऑलरेडी शोन हाउ द रूट विल कैंसल आउट, ओके, यू विल ट्राई योर सेल्फ, क्यू स्क्वायर, सो वट विल बी द एंसर, फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, हियर इज मल्टीप्लीकेशन, देन इट विल गो दैट साइड बिकॉज आई नीड टू से दैट फाइव डिवाइड्स पी स्क्वायर बिकॉज आई हैव दैट एम, ओके, आई नीड टू शो दैट, ओके, आई हैव एम टू शो दैट डिवाइडेड बाई फाइव, वेन आई टेक दिस इट विल बी इन डिवाइड फॉर्म, ओके, सो वट आई सी हियर, सो फाइव according to mathematics, okay, here what is the mathematical term, what the this statement is saying, what is the this expression is trying to say, is 5 divides p square, this implies 5 also divides p square ko ye divide kar raha hai to p ko bhi karna hi chahega, aisa hoga, संसार के कोई ताकत इसे रोक नहीं सकता है, होगा ही होगा, डिवाइड्स पी, लेट लेट किसको लेट करना है, इसे हम इक्वेशन वन मानेंगे, लेट किसको करना है, पी को, लेट पी इक्वल्स टू फाइव सी, देखिए रूट थ्री में क्या करना है, प्रूफ करने से लेट पी को थ्री सी करना है, रूट टू में क्या करना है, 2c करना है, रूट सेवन में अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, 7c करेंगे, क्योंकि हमने अगर इधर 2c करेंगे तो क्या होगा, देखिए नतीजा क्या होगा, अगर हम p को 2c और 3c करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, 2c का स्क्वायर होगा और बाय 5 होगा, इधर q स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, c स्क्वायर बाय 5, देखिए इसका तो हम इसे भी लिख सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इसे हम काट नहीं सकते, देखिए काट नहीं सकते और ये कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ऐसे भी होगा पर सिंपल वे में हम जाएंगे, ओके, सो इसे कॉम्प्लिकेटेड वे हम अवॉइड करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, सो पी को 5c ही करना, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड होगा और हमें आंसर जल्दी मिलेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर बाय 5, ओके, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, देखिए 5 1 5 5 5 25, क्यू स्क्वायर क्या आया, 5c स्क्वायर,
क्यू स्क्वायर बाय फाइव. सो क्या हुआ, फाइव डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो फाइव, दिस इम्प्लाइज ऑल्सो डिवाइड्स क्यू. क्या हुआ, फाइव क्यू को भी डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा. क्या है, पी और क्यू का फाइव तो फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना. अगर फैक्टर नहीं है तो डिवाइड ही नहीं करेंगे. सो क्या हुआ, देयरफोर पी एन क्यू हैज एटलीस्ट फाइव एस अ कॉमन फैक्टर. पर पी ओपन क्यू फॉर्म में लिखने से क्या होगा, अगर हम लिखते हैं फ्रैक्शन वो इसका एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए. पर क्या दिख रहा है, फाइव भी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, हमने झूठ बोला था ना आगे कि रूट फाइव रैशनल इसके नतीजे से आया है ना, ये झूठ पकड़ा. कॉमन फैक्टर फाइव ऐसा कॉमन फैक्टर, बट लेकिन दिस कॉन्ट्रा डिक्स द फैक्ट दैट ए पी एन क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. ओके, सो दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that root 5 is rational. हमने झूठ बोला था इसलिए हमें पकड़ ही लिया, क्योंकि ये contradiction हुआ ना, इसके वजह से ये रैशनल नहीं है. ये क्या है, देयरफोर रूट फाइव इज इरैशनल. मैंने रूट फाइव रैशनल मान के चला था इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आया. अगर हमने रूट फाइव को इरैशनल मान के चला होता तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा, ऐसे ही प्रूफ हुआ रूट फाइव. ओके, वी विल मूव इन टू नेक्स्ट नंबर. ओके, देयर इज टू. सो नंबर टू विल डू इट फास्ट. So the question will be asked from this section only. Okay, this 1.3 there will be the different question, so we'll try to do it first. Okay, so number two, prove that root 3 plus 2 root 5. Okay, we need to prove that number. Okay, number two, the given number 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay, here let in similar manner, but it will be short. Okay, let us assume to the contrary that what is the given number 3 plus 2 root 5 is irrational, rational. ऐसे ही मानेंगे फर्स्ट कॉन्ट्रेरी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ इधर पर इधर प्रॉब्लम आएगा, ऐसे हम बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है. सो क्या है रैशनल नंबर है ये, इसे क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू. आपको ये सब एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आया प्रूफ दैट रूट थ्री रूट टू रूट फाइव, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अगर मार्क्स तीन मार्क्स के लिए आया तो वो कैसे लॉन्ग मेथड अभी हमने किया था उस मेथड में करना. अगर ऐसा क्वेश्चन एक मार्क्स में आया तो ऐसे करेंगे, बहुत इजी है. क्या करेंगे, हर एक नंबर को उधर चला इधर लोएंगे, और हम रैशनल और इरेशनल को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे. जी हाँ, सेपरेट करके हम इधर रैशनल आए इधर इरेशनल आए, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ. ओके, ऐसे ही तरह हम मैथमेटिक्स में हम उधर लोएंगे. देखिए आगे क्या है, प्लस है, क्या होगा उधर जाके ये माइनस होगा. टू रूट फाइव, हमें रूट फाइव को सेपरेट करना है. ओके, पी
उधर जाने से क्या होगा, यहाँ प्लस है, इधर से ये माइनस आएगा, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, एडिशन में है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही उधर जाएगा। एक हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ क्या है, हम इसे एलसीएम लेंगे, क्यू और वन के एलसीएम क्या होगा, क्यू ही होगा, और क्यू से क्यू डिवाइड करने से वन आएगा, वन इंटू पी पी होगा, माइनस है साइन, इसलिए वन से क्यू से डिवाइड करने, वन क्यू को डिवाइड करना है, क्यू आएगा, क्यू इंटू थ्री थ्री क्यू, और इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर जाने से क्या होगा, डिवाइड होगा, रूट फाइव इक्वल्स टू पी माइनस थ्री क्यू टू क्यू। ओके, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, ओके, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, तो क्या होगा, पी माइनस थ्री क्यू बाई टू क्यू इज रैशनल है, इज रैशनल एंड ये रैशनल है, राइट हैंड साइड में रैशनल है, ये बराबर का साइन है, ये भी क्या है, रैशनल है, रूट फाइव इज रैशनल, पर क्या है, रूट फाइव तो इरैशनल है, बट रूट फाइव इज इरैशनल, इरैशनल क्या है, इरैशनल है, सो दिस, ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that ये whole number, ये पूरे number 3 plus 2 root 5 is rational, क्योंकि हमने इसको rational माना था, क्योंकि ये irrational है, एक से एक के कारण से ये जब भी क्या है, irrational number है, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational, ऐसे ही हम प्रूफ करेंगे। ये तीन नंबर में क्या बोल रहा है, प्रूफ द फॉलोइंग आर इरेशनल, ओके, हम इसे ही भी, इससे ही हम प्रूफ करेंगे, ऐसे ही तरह हम वो प्रूफ नहीं करेंगे, हम नंबर को ही बदल देंगे, वो इजी रहेगा। एक क्या करेंगे, नंबर थ्री का इसका सॉल्यूशन है, एक नंबर का है, वैसे ही मानेंगे, बहुत इजी है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, इसको ही हम मिटा देंगे, क्या लिखेंगे, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, थोड़ी चेंजेस आएगा जी हाँ, अगर ये रैशनल है तो क्या है, वन बाई रूट टू को भी हम क्या लिख सकते हैं, पी ओपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे थोड़ी सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, देखिए इधर, देखिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स इसको इसको ऊपर लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, क्या होगा, रूट टू होगा, अगर हमने लेफ्ट साइड में ऐसे ही किया तो राइट साइड, राइट हैंड साइड में भी क्या करना है, ऐसे ही करना है, वो क्या होगा, देखिए ये क्या है, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ओके, क्यू बाई पी भी क्या है, ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो रूट टू क्या है, रूट टू क्या है, रैशनल है, बट रूट टू क्या है, इरेशनल है, अगर रूट टू इरेशनल है ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एजम्पशन, क्या हमने क्या एजम किया था, वन बाई रूट टू क्या है, इरेशनल हमने एजम्पशन किया था, देयरफॉर वन बाई रूट टू इज इरेशनल, इसी तरह हम इसे प्रूफ करेंगे, एक नंबर को तो हुआ, और दो नंबर में, दो नंबर में क्या है, ये एक नंबर का हुआ, आप एक कॉपी कीजिए, नंबर टू बहुत ईजी है, ये सेवन रूट फाइव, ओके, लेट अस अज्यूम दैट, कंटेरी दैट सेवन रूट फाइव इज रैशनल, ओके, ये हम क्या करेंगे, इसको रैशनल बोलेंगे, और क्या होगा, सेवन रूट फाइव को हम पी ओपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर पी, इसको हम क्या करना है, रूट फाइव को और एक नंबर को सेपरेट करना है, या इनटू में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, रूट फाइव इधर आएगा और पी बाई सेवन क्यू इधर आएगा, क्या हो, पी एंड क्यू आर इंटीजर, सो क्या होगा, पी बाई सेवन क्यू भी क्या हो, पी बाई सेवन क्यू
क्या है ये रैशनल है पर एंड रूट फाइव भी क्या होना जरूरी है रैशनल होना जरूरी है तो पर हमें क्या पता है रूट फाइव इरेशनल है और क्या हुआ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फिर से क्या है फैक्ट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर ठीक है रूट फाइव इज इरेशनल नंबर रैश दैट रूट फाइव इज रैशनल रूट फाइव नहीं हमने ये माना था ना रूट फाइव और क्या है देयरफॉर सेवन रूट फाइव क्या है इरेशनल है ऐसे ही प्रूफ करेंगे और लास्ट नंबर थ्री में देखिए नंबर थ्री में क्या है नंबर थ्री लगाते जाइए आप कॉपी करते जाइए ओके लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट सिक्स प्लस रूट टू इसे हम कैसे लिख सकते हैं सिक्स प्लस रूट टू को देखिए हम इसको उधर लगेंगे इतना ही ये सेपरेट होगा लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल आएगा पी बाई क्यू उधर जाने से क्या होगा प्लस से उधर से माइनस होगा और हम इसे एलसीएम करें क्यू और वन के एलसीएम क्यू होगा और क्यू से क्यू डिवाइड करने से वन आएगा वन इंटू पी पी वन से वन डिवाइड क्यू डिवाइड एंड क्यू क्यू इंटू सिक्स सिक्स क्यू देखिए आपको ये मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा नहीं तो आपका मिस्टेक होगा देखिए ये आपको हम लेटर लेक्चर में बताएंगे कैसे हम एलसीएम करेंगे ओके सो क्या हुआ देखिए ये रैशनल है ये इरेशनल है सो पी एन क्यू आर इंटीजर इंटीजर होने से क्या होगा पी माइनस सिक्स क्यू बाई क्यू क्या है रैशनल है इसका मतलब क्या है रूट टू भी रैशनल है पर क्या है रूट टू क्या है इरेशनल है इसके क्या कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि हमने क्या माना था सिक्स प्लस रूट टू से रैशनल है माना था देयरफॉर सिक्स प्लस रूट टू ऐसे ही प्रूफ करे हो जाएगा ये सिंपल से हम आज बस इतना ही करेंगे और लास्ट टॉपिक क्या है रिविजिटिंग नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन ओके ये भी बहुत इजी है ये भी 15 मिनट का लेक्चर होगा और एक रियल नंबर ऐसे फिनिश्ड होगा और हम दूसरे पॉलीनोमियल में जल्दी जल्दी चलेंगे थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग And if you like and please subscribe my channel, okay? And it is your wish.